लो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपके दे रखा है ये भुजा और ये भुजा क्या है आपके बराबर सवाल के अंदर दिया हुआ, ये भुजा और ये भुजा भी क्या है बराबर सवाल के अंदर दिया हुआ, ये कौन मतलब ये बी ए डी और ई ए सी, ये वाला ई ए सी, ये दोनों कौन भी क्या दे रखे हैं आपके बराबर, हमें क्या करना है सीधे करना है बी सी बराबर क्या होगा डी। अब कौन से त्रिभुज सर्वांशम करे कि ये भुजा है किसमें आ जाए आपके भाई सीपीसीटी में, उन त्रिभुजों में नाम होने चाहिए तो वो सीपीसीटी में आएगा। तो देखो ये कौन से ऊपर आ रहा है ये तो हमें कौन लेना ही है, तो क्या लिखेंगे देखो इसमें भी ये आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा ए, और ये दोनों नाम उस त्रिभुज के अंदर आने चाहिए ताकि हम क्या लिख सकते हैं भाई सीपीसीटी लिख सकते हैं। कौन सा त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज होगा आपके ए डी ई से, दोनों के अंदर कोण ए जैसे बराबर दे रखा है तो कोण ए को हमने ले लिया, बी सी और डी क्यों लिया ताकि अगर जब भी ये त्रिभुज क्या हो जाए सर्वांशम तो इनके दोनों ये संगत भाग त्रिभुज के अंदर आने चाहिए, नाम के अंदर आपके दोनों नाम आने चाहिए, इसलिए हम ये दोनों त्रिभुज क्या करेंगे हम सर्वांशम करेंगे। पहले देखेंगे त्रिभुज है कौन से, दोनों क्या करो अलग अलग और चित्रों को, सबसे पहला नाम इसने बताया है ए बी सी, ये हो गया है आपके ए बी और सी, ये रहा आपके ए बी और सी, ए बी में एक लाइन है और बी सी में कितनी लाइन है आपके दो लाइन, ये त्रिभुज नहीं लिया मैंने कौन सा लिया है ए बी सी, ए बी सी तो यहाँ आया हुआ है, तो इस त्रिभुज के अंदर तो एक लाइन है और इस लाइन के अंदर कितनी है दो, तो यहाँ एक है और यहाँ कितने हो गए आपके दो लाइन, और देखो ए बी सी के अंदर यहाँ कौन तो आ रहा है ये दो बीच में डी, ये देखो आपके डी यहाँ पर, ये कौन सा कौन है आपके डी, इसका मतलब क्या हुआ जो भी हमारे पास दिया हुआ था ये कौन दिया हुआ है इधर वाला कौन बराबर नहीं है वो वाला बीच में रह गया कौन। दूसरा नाम क्या है आपके ए डी ई, तो क्या करेंगे हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम भी क्या होगा आपके ये वाला जो दे रखा है ए डी ई, तो हम बनाएंगे ए डी और क्या हो गया है ई, ये रहा ए डी ई ये वाला तिरछा त्रिभुज, इस लाइन का कोई महत्व नहीं ऐसे ही लाइन। अब ये त्रिभुज हो गया किसका नाम क्या है ए डी ई, देखो ए डी में कितनी लाइन है एक लाइन है और ए में कितनी लाइन है दो, तो यहाँ लिखेंगे एक और यहाँ से दो बनाएंगे, इसके अंदर देखो ये वाला कौन दे रखा ए डी ई ये वाला जिसके अंदर ये कौन इसके बराबर है, तो ये कौन बराबर है ये नहीं, यानी कि हम इसमें ऐसे टुकड़े करेंगे वैसे इसको, इसका नाम क्या दे रखा है यहाँ पर सी नाम दे रखा है, ये वाला कौन और ये वाला कौन बराबर है ये वाला बीच में रह गया कौन सा रह गया ए डी सी, दोनों में रह गया देखो ए डी सी यहाँ भी रह गया और ए डी सी यहाँ भी रह गया, देखो ध्यान दो डी ए सी डी ए सी दोनों ही कौन रह गए, ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या है आपके बराबर, इधर से लिया तो ये इधर रह गया कौन और ये वाला लिया तो इधर से रह गया कौन। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें पता है ये और ये भुजा बराबर है और ये तो पता ही है, दो एस तो हमारे पास है ही, हमें क्या करना है एक कौन बराबर करना है और वो कौन होगा ये वाला, चलते लिखेंगे हम ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है बराबर, ये देखो सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ, हम लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी, क्यों है बराबर सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ, लेकिन ये कोण तो दिया हुआ लेकिन आधा ही देर का इतना सही देर का ये वाला कोण तो रह गया पीछे, और यही कोण डी ए सी इसमें भी आ रहा है और डी ए सी इसमें भी आ रहा है, डी ए सी नाम थोड़ा लिखो या नंबर लगा दो कौन नंबर एक, डीएससी को हमने क्या मान लिया कौन नंबर एक, और यहाँ भी क्या मान लिया जो डीएससी था उसको हमने क्या मान लिया कौन नंबर एक, जो इसमें भी आ रहा हुआ दोनों आ रहा है तो दोनों में जोड़ लो, क्या लिखेंगे कौन एक दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर तो कौन बी ए डी में भी हम क्या जोड़ देंगे कौन नंबर एक, और कौन नंबर ई ए सी में भी क्या जोड़ देंगे कौन नंबर एक, जैसे ही जोड़ा इन दोनों को जोड़ते ही ये पूरा कौन बन गया जिसका नाम हो गया बी ए सी, कौन सा कौन हो गया बी ए सी, और इन दोनों को जोड़ते ही ये कौन पूरा बन गया जिसका नाम हो गया डी ए ई, कौन सा हो गया डी ए ई, एक कौन आ गया। अब दो भुजाएं, भुजाएं हमारे पास सवाल के अंदर दे रखी है ए बी बराबर क्या है ए डी, ये तो लिखा हुआ ए बी बराबर क्या है ए डी, ए बी और ए डी बराबर क्यों है दिया हुआ है सवाल के अंदर क्या है आपके दिया हुआ,
दूसरा ये इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, एसी बराबर क्या है ए, ये भी सवाल के अंदर क्या है एसी बराबर क्या है ए, ये भी सवाल के अंदर क्या है दिया हुआ। नियम कौन सा लगा एस ए एस, नियम कौन सा लगा एस ए एस, नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ये वाला दोनों त्रिभुज उसका नाम है तो एबीसी, ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी ई के, अगर सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग क्या होंगे बराबर, मतलब ये भुजा इसकी और ये भुजा इसकी दोनों क्या होंगे बराबर, बी सी बराबर क्या होगा डी ई, बी सी बराबर क्या होगा डी, कारण क्या लिखोगे वाई सी पी सी,